क्या हाल चाल है यार? मेरे पास पैसे नहीं है पार्किंग के, वो गए अंदर। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ज़्यादा ही हो गया तो, वैसे इतनी अच्छी खासी मुझे इंग्लिश आती नहीं है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सहरी की है और नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के भी जा रहे हैं बहावलपुर। जो बंदा मेरे चैनल पे न्यू आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाए। 4000 दा। मैं सब भाई 4000 दे। और 50000 दा फोन। इसी तरह हमने अपने सफर का आगाज शुरू किया और सबसे पहले हमने टायर्स में हवा फिल करवाई, क्योंकि सबसे जरूरी काम था। सुबह सुबह का हसीन मौसम। और इसी तरह कुछ तवील अरसे के बाद हम अपने मंजिल पर आकर कर पहुंच गए। पार्किंग में बाबा और भाई मेरे गए हैं कहीं काम, और मैं अपना वॉलेट घर से लेके नहीं आया। मैंने अभी यहाँ से जाना है, मैंने देने से पार्किंग के पैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जब तक उन्होंने आना तब तक मैं काम करके अपना वापस आ जाऊँगा। तो अभी मैंने वो पार्किंग वाले भाई के पास जाना और उसे कहना कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे जाने दो, मैंने काम करके आना, वापस आके मैं उनसे ले कर पैसे दूँगा आपको। पता नहीं वो जाने देगा या नहीं देगा, चलो ट्राई करते हैं। क्या हाल चाल है यार? मेरे पास पैसे नहीं है पार्किंग के, वो गए हैं अंदर। और मैंने अभी कुछ देर में वापस आना है। वापसी आ जाओगे? हाँ। तो ये पर्ची भाई कह रहे वापसी पे आके मैं पैसे ऐसी जाना, ये पर्ची आपको, ये आपने रखनी है? हाँ हमारे पास है। चलो कोई बात, मैं बस 5-10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, कोई मेहरबानी। फाइनली उन्होंने मुझे जाने दिया है। तो अभी मैंने अपना काम शाम कर लिया है, आप सब लोगों ने भी शॉपिंग कर ली होंगी, ठीक है। और ये बातों बातों में मैं यूटर्न आगे गुजर आया हूँ। 37 seconds later। अभी मैं अपने सारे काम शाम ख़त्म करके उसी पार्किंग में दोबारा आगे खड़ा हो गया हूँ। और पर मैं इसलिए आया कि हर बंदा आजकल ईद की शॉपिंग कर रहा है, तो हमने भी करनी थी। उस शॉपिंग में सिर्फ हमारे बूट शूट तो हमने सिलाई करवा लिए थे वहाँ पर अपने सिटी में ही, लेकिन जो शूज़ थे वो लेने थे। तो सारी रात सोया भी नहीं, और मुझे लगता आगे मुझसे सोया नहीं जाएगा। आज का व्लॉग बस एनर्जी थोड़ी सी कम है, तो अभी मैंने अपने सारे काम कुम कर लिए और मैं अभी वापस उसी पार्किंग में आ गया हूँ। आपको पता है कि आजकल ईद बहुत नज़दीक आ चुकी है और सभी बंदे ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने भी शॉपिंग करनी थी। सूट वूट तो हमने वहीं फोटाबाद से ले कर सिलवा लिए थे, और लेने शूज़ लेने थे और मैंने स्लीपर लेने थे। ये अभी रोज़े चल रहे हैं तो आना बहुत मुश्किल हुआ हुआ, लेकिन आना तो था ही। फिर टाइम तो पहले आ गए ना, हमें कितो भूल गए। हम टाइम से पहले आ गए और शॉप्स ओपन अभी तक नहीं हुई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है।
2000 years later. Finally, bhai jaan, bol jaan ki shop open ho chuki hai. Aaj ke baasi ke aasi aa rahe hain. Kine? अभी अभी बहुत जान से निकले हैं, बाबा ने जूता ले लिया है और मुझे शाम को जूता वहाँ से अच्छा मिल गया। अभी शॉप्स ओपन ही जब सारी ओपन होंगी तो फिर हम लोग शाम को यार ये टूटा हुआ है ना, कोई जूता पसंद आ रहा है ना कोई ट्राईपोर्ट पसंद आ रहा है, अभी सिर्फ बाबा ने जूता नहीं, कोई चीज़ फिलहाल पसंद नहीं आ रही। फाइनली जूते हमें मिल चुके हैं, अभी इसे डाउट पड़ गया है कि पता नहीं जूता ये वही है या कोई और है। भाई जान गर्मी बहुत ज़्यादा है, रोगा शदीद लग चुका है इस वक्त, और अब यार खीर हो गई है रोजे की, गर्मी इतनी ज़्यादा है जूता पसंद नहीं आ रहा था। चलो जी बैठो। ओए यार गर्मी, जूते बहुत मुश्किल से पसंद किए हैं, अभी रोजा खीर हुई पड़ी, अभी निकलने लगे हैं बस। पालपुर से आके मैं सो गया था, बहुत थक चुका था, रोज़ा मुझे शदीद किस्म का लगा हुआ था, तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी इफ्तारी टाइम उठा हूँ, रोज़ा इफ्तार किया, उसके बाद अब मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ, तो सो मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जो बंदा मेरे चैनल पे न्यू आता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाए, लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।